नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज़। मैं स्वाति। चौरी ग्राम पंचायत जनपद पंचायत गंगेयों में व्यापक भ्रष्टाचार के मामले में सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा गठित जांच दल, कार्यपालन यंत्री आर.एस. ध्रुवे, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग रीवा की अगुवाई में हुई जांच के बाद जांच रिपोर्ट सामने आने से बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। अमूमन ग्राम पंचायत के विकास के लिए आने वाली राशि का कैसे सरपंच, सचिव और अधिकारी मिलकर बंदर वाट कर रहे हैं, इसका एक ताजा उदाहरण रीवा गगेव की चौरी पंचायत के सामने आया है। सीईओ जिला पंचायत रीवा द्वारा गठित आरईएस के जांच दल द्वारा जांच रिपोर्ट सामने आने से बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच रिपोर्ट में सरपंच, सचिव और इंजीनियर के अलावा सीईओ जनपद और सहायक लेखाधिकारी को भी दोषी पाया गया है। सीईओ जिला पंचायत रीवा ने कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 4880 धारा 4092 जिला पंचायत 2022 दिनांक 16/9/2022 की नोटिस जारी करते हुए तत्कालीन जनपद पंचायत गंगेव, सहायक यंत्री गंगेव, उपयंत्री गंगेव, सहायक लेखाधिकारी गंगेव सहित तत्कालीन सरपंच सविता जायसवाल और सचिन बुद्धसेन कोल के नाम पर 12 कार्यों में अनियमितता के लिए दोषी पाए जाने पर कुल 23,99,448 रुपए की वसूली बनाई गई है। लगभग 24 लाख की इस कुल वसूली में तत्कालीन सीईओ जनपद गंगेव के नाम 1,49,207 रुपए, तत्कालीन सहायक यंत्री गंगेव के नाम 1,98,436 रुपए की वसूली, तत्कालीन उपयंत्री के नाम 1,98,436 रुपए की वसूली, तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी के नाम 1,49,207 रुपए की वसूली, जबकि तत्कालीन सरपंच सविता जायसवाल और सचिव के नाम पर बराबर बराबर 8,52,131 रुपए की वसूली बनाई गई है। गौरतलब है कि चौरी ग्राम पंचायत की जांच को विधायक सिरमौर भी प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हैं। मौखिक और अन्य दबाव तो सामान्य बात है, परंतु यहाँ तो हद हो गई। जब सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह ने चौरी और सिदहा पंचायत के भ्रष्ट सरपंच सचिवों को बचाने के लिए अपने लेटर हेड में पत्र लिखकर सीईओ जिला पंचायत और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री पर दबाव बनाने का प्रयास किया था, जिसके बाद जांच टीम को बदल दिया गया था, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी द्वारा पुनः सीईओ जिला पंचायत और कमिश्नर संभाग रीवा के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया और जांच करवाई गई, जिसके बाद जो सामने आया उससे विधायक की भी करतूत अब सामने आ चुकी है। चूंकि जांच में लगभग 24 लाख रुपए के उन कार्यों का भ्रष्टाचार सामने आया है जो मौके पर अब तक मिले ही नहीं हैं, जबकि दर्जनों कार्य अभी भी ऐसे हैं जिनके जांच के दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसके चलते उन कार्यों का उचित मूल्यांकन और जांच ही नहीं हो पाई है। रीवा जिले के गंगेयो जनपद अंतर्गत चौरी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत समय से की जा रही हैं। एक बार तो इसमें विधायक सिरमौर के श्री दिव्यराज सिंह, इन्होंने जाँच को प्रभावित करने का प्रयास किया। इनके माध्यम से पत्र लिखा गया कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा को और कहा गया कि जांच टीम बदली जाए। फिर किसी तरह से इस पर हम लोगों ने जांच करवाई और अभी 23,99,548 रुपए की रिकवरी बनाई गई है सीईओ जिला पंचायत के द्वारा। कारण बताओ नोटिस जारी की गई है 16 सितंबर को, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेयो, सहायक यंत्री जनपद पंचायत गंगेयो, उपयंत्री जनपद पंचायत गंगेयो, सहायक लेखाधिकारी जनपद पंचायत गंगेयो और साथ में तत्कालीन सरपंच और सचिव, इनको इसमें दोषी पाया गया है। इनके विरुद्ध बराबर बराबर रिकवरी बनाई गई है और 7 दिवस के अंदर इनसे जवाब मांगा गया है, पैसा वापस भरे जाने के लिए कहा गया है। यदि ये पैसा नहीं भरते हैं तो इनके विरुद्ध सिविल जेल और पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत कार्यवाही और सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के लिए उसमें कहा गया है। तो इस प्रकार से व्यापक भ्रष्टाचार है पंचायतों में और ये जो जाँच हुई है इस पूरे एक नेक्सस जो एक है इसका माफिया टाइप का, उसका पूरा एक पोल खोलती है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक पंचायत स्तर की जांच को एक विधायक, मतलब सरकार में बैठे हुए विधायक के द्वारा प्रभावित करने का प्रयास किया गया और फिर वही जांच होती है और जांच में इतनी व्यापक स्तर की भ्रष्टाचार पाया जाता है, इससे इनकी सबसे किस संलिप्तता इसमें जाहिर होती है।